खबर गया से है, पुलिस महानिरीक्षक मगध परिक्षेत्र छत्रनील सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक के पद पर अपनी आमद किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मगध प्रमंडल में सभी जिलों को अपराध मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गया शहर में जाम से भी जल्दी मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर अरवल जिले के नए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम को पिपिंग सेरेमनी के तहत बैच लगाकर स्वागत किया। सबके लिखवा दूंगा, सबके लिखवा दूंगा। मगध प्रमंडल में क्या प्राथमिकता रहेगी? समस्याएं तो बहुत है। अभी बहुत रिसेंटली मैंने इस क्षेत्र में योगदान दिया है, एक तरह को योगदान दिया है। अभी सभी अधिकांश जिलों में नए एसपी के रूप में लोगों की पदस्थापना हो रही है। 5 में से 4 जिलों के एसपी और एसएसपी योगदान ऑलमोस्ट सब में दे चुके हैं, एक में अभी योगदान देना बाकी है। सबों के साथ समीक्षा की जानी है, जिसके उपरांत प्राथमिकता का निर्धारण होगा। ऑब्वियसली जो पुलिसिंग के बेसिक इशूज होते हैं, जैसे अपराध नियंत्रण, उद्भेदन, अनुसंधान, गिरफ्तारी या फिर पुलिस कर्मियों के वेलफेयर, आम जन की समस्याएं, ये सब डेफिनेटली प्रायोरिटी में तो रहेंगे ही, लेकिन किस पे फोकस करना है वो सभी जिलों की समीक्षा के उपरांत ही उस पर निर्णय लिया जाएगा और प्राथमिकता के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ सरकार की भी प्राथमिकताएं हैं, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं, सबको ध्यान में रखा जाए। गया जिले की एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जाम की स्थिति हमेशा रहती है, काफ़ी परेशानी। एक बार मैं इसकी समीक्षा कर लूँ, इसमें क्या किया जा सकता है, चाहे इंजीनियरिंग का आस्पेक्ट हो, पुलिसिंग आस्पेक्ट हो, तो उसमें या फिर सीसीटीवी का जरूरत होगा, तो उस सब में एक बार समीक्षा करने के बाद ही उसमें क्या निर्णय लिया जाए, उसके उपरांत उस पर कार्रवाई की जाए। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि बाइक चेकिंग के दौरान प्रशासन जो है वो पब्लिक